हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको लिबरलाइजेशन तक एक्सप्लेन किया हुआ था, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सिंस 1991 जो चैप्टर है हमारा, जिसके तीन इम्पोर्टेंट कंटेंट थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, जिसमें मैंने आपको बताया था कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की क्यों ज़रूरत पड़ी थी, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था लिबरलाइजेशन क्या होता है, उसके अंदर गवर्नमेंट ने क्या क्या बदलाव किए। अब नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का सबसे पहले हम मीनिंग समझेंगे। प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या होता है? प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है प्राइवेट सेक्टर को सबसे ज़्यादा फ्री कर देना, यानी उसको मेन जो रोल है प्राइवेट सेक्टर का कर दिया। 1991 से गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर का रोल बढ़ा दिया और अपने रोल को कम कर दिया, यानी कि प्रोडक्शन प्रोसेस में प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा उन्होंने रोल दे दिया, यानी उनका ही इम्पोर्टेंस माना गया प्राइवेट सेक्टर का, और पब्लिक सेक्टर यानी गवर्नमेंट की जो कंपनी थी, जो एस्टेब्लिशमेंट थी, उनकी भूमिका कम कर दी, ठीक है। तो गवर्नमेंट कंपनीज़ को क्या करा, कन्वर्ट किया गया प्राइवेट कंपनीज़ में। गवर्नमेंट ने क्या किया, सरकारी कंपनियों को प्राइवेट कंपनीज़ में चेंज किया। अब वो कैसे कैसे किया कि जो सरकारी कंपनी थी उसका जो भी शेयर्स था उन्होंने किसको दे दिया, यानी कि अपना जो अपनी जो ओनरशिप थी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से, और जो मैनेजमेंट था जिसको पहले गवर्नमेंट ही मैनेज करती थी, वो उसका विड्रॉल कर लिया, यानी वो चीज़ ख़त्म कर दी। दूसरा, जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स थी उनकी सेल कर दी, किसको, प्राइवेट सेक्टर को, प्राइवेट सेक्टर को उनको बेच दिया। तो इस तरह से गवर्नमेंट ने प्राइवेट कंपनीज़ को दो तरीके से, गवर्नमेंट कंपनी ने प्राइवेट कंपनी को चेंज किया, ठीक है। अब एक इम्पोर्टेंट टर्म आता है जिसको बोलते हैं हम डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट एक इम्पोर्टेंट टर्म है, ये पूछ लिया जाता है अक्सर करके। तो डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, यानी जो सरकारी एस्टेब्लिशमेंट हैं, सरकारी इंडस्ट्रीज़ हैं, जो सरकारी कंपनी हैं, उसका अपना शेयर, ठीक है, अपनी इक्विटी प्राइवेट सेक्टर को बेच देना। किसको बेच देना, प्राइवेट सेक्टर को बेच देना, उसको हम डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। और डिसइन्वेस्टमेंट का पर्पज़ क्या होता है, ताकि जो पहले स्थिति खराब थी जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की, वो सुधर सके। क्योंकि गवर्नमेंट भी ये मानने लगी थी कि जब तक प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा, जब तक टेक्नोलॉजी इम्प्रूव नहीं हो सकती, कुछ नयापन नहीं आएगा, कोई इनोवेशन मार्केट में नहीं आएगा, ठीक है। प्राइवेटाइजेशन और डिसइन्वेस्टमेंट के एडवांटेज क्या हैं, ऐसा माना गया कि प्राइवेटाइजेशन अगर होगा तो कंपनीज़ को अच्छी तरह से मैनेज किया जाएगा, ठीक है, जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, अगर उनका कंट्रोल, उनका मैनेजमेंट अगर प्राइवेट सेक्टर के हाथ में आ जाए तो उनको बेटर परफॉर्म किया जाएगा, ठीक है। दूसरा, गवर्नमेंट का ये मानना था कि अगर प्राइवेटाइजेशन होता है तो विदेशी इन्वेस्टर हमारी इंडिया में पैसा इन्वेस्ट करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, जिसको हम बोलते हैं FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होगा, ठीक है। क्योंकि जो इन्वेस्टर्स थे वो ये जानते थे कि इंडिया में पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग किस तरह से काम कर रहा है। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग काफ़ी इनफिशियंसी से काम कर रहा था, जिसकी वजह से FDI जो था वो बहुत कम था। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि अगर हम प्राइवेटाइजेशन करेंगे तो काम अच्छा होगा और इन्वेस्टर अट्रैक्ट होंगे FDI के लिए, इंडिया में वो अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। इससे क्या हुआ, प्राइवेटाइजेशन से सरकार ने कोशिश किया अपनी जो PSUs हैं, यानी जो गिनी चुनी PSUs रह गई थी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स रह गई थी, क्योंकि ज़्यादातर को तो उन्होंने बेच दिया प्राइवेट सेक्टर को, ओनरशिप दे दी प्राइवेट सेक्टर को,
अब जो थोड़ी बहुत जो PSUs रह गई उनको उन्होंने पहले क्या करा, गवर्नमेंट ने एटोनॉमी दे दी। एटोनॉमी का मतलब होता है आज़ादी। अब आज़ादी किस चीज़ में, कि वो खुद डिसीज़न ले सकें, यानी मैनेजरियल डिसीजंस पहले वो खुद नहीं ले सकते थे, पॉलिटिकल पार्टीज़ होती थी, जो लीडर्स होते थे उन्हीं के अकॉर्डिंग डिसीजन लिए जाते थे। बट गवर्नमेंट ने क्या करा, PSUs को कुछ जो भी PSUs रह गई थी उनको पूरा ऑटोनॉमी दे दिया, पूरा स्वतंत्रता दे दिया उनको, और वो खुद डिसीजन ले सकते हैं, मैनेजरियल डिसीजंस, ऐसा उनसे बोल दिया गया। उदाहरण के लिए गवर्नमेंट ने क्या करा, कुछ PSUs को महारत्न के नाम से अलग कर दिया, कुछ को नवरत्न के नाम से बुलाया गया और कुछ को मिनी रत्न। ठीक है, आप गूगल में सर्च आउट कर सकते हो कि कौन कौन सी ऐसी PSUs हैं जिनको महारत्न बोला जाता है, किसको बोला जाता है नवरत्न एंड किसको मिनी रत्न। कुछ यहाँ पर आपके सामने कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पर दिए हुए हैं। महारत्न में जैसे आते हैं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, नवरत्न में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। मिनी रत्न के एग्जांपल्स हैं BSNL, भारत संचार निगम लिमिटेड, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसे हम बोलते हैं IRCTC। ठीक है, तो प्राइवेटाइजेशन में केवल इतना ही है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में मैं आपको ग्लोबलाइजेशन के बारे में एक्सप्लेन करूँगा और हमारा ये चैप्टर लगभग लगभग हमारा पूरा हो जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग।